स्टूडेंट आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। आ, ये आरएच ब्लड ग्रुप लास्ट टाइम हमने आरएच ब्लड ग्रुप पढ़ा था आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम से ही रिलेटेड एक ये टॉपिक है तो सबसे पहले तो आप इसमें ये देख लें कि ये एरिथ्रोब्लास्ट होते क्या हैं देखो एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं किसको कहते हैं एरिथ्रोब्लास्ट इमैच्योर आरबीसीस विद न्यूक्लियस देखो जो आपको पता है जो हमारे मेच्योर आरबीसी नहीं होता लेकिन जो इन, मेच, इन होते हैं उनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है तो हमारे जो इनमे आरबीसी होते हैं जिनमें न्यूक्लियस भी होता है उनको हम क्या कहते हैं उनको हम इरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं अच्छा फीटस क्या होता है बेसिकली फिट फिटलिस जो है वो किससे लिया है ये फीटस से लिया है फीटस बेसिकली हम किसको कहते हैं एम्ब्रियो uh, आप सिंपली ये कह लो कि एम्ब्रियो ऑफ मंथ मंथ यानी जब टू की प्रेगनेंसी हो जाती है जब टू मंथ की प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस दौरान हम एम्ब्रियो को क्या कहते हैं एम्ब्रियो को हम फीटस कहते हैं तो सबसे पहले तो देख लेते हैं ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस जो ये बीमारी है ये होती क्यों है ये डिजीज डिसऑर्डर जो है ये क्यों होता है अब मिसाल के तौर पे ये एक फीमेल है ये एक फीमेल है और मैं कहता हूं कि इसका ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है आर एच नेगेटिव ये फीमेल है और इसका ब्लड ग्रुप जो है वो आर एच नेगेटिव है आर एच नेगेटिव का मतलब ये है कि इसके आरबीसीस पर कोई डी एंटीजिन मौजूद नहीं है आर नेगेटिव में ये ए नेगेटिव भी हो सकती है बी नेगेटिव भी हो सकती है ए बी नेगेटिव भी हो सकती है और ओ नेगेटिव भी हो सकती है अब ये फीमेल अगर मैरी करती है एक मेल्स है ये फीमेल मैरी करती है एक मेल्स है और जो ये मेल है जिससे ये मैरी करती है इसका ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है इसका ब्लड ग्रुप जो है आर एच पॉजिटिव है आर एच पॉजिटिव का मतलब ये है कि इसके आरबीसी पर डी एंटीजिन जो है वो मौजूद है अब ये जो मेल है ये ए पॉजिटिव भी हो सकता है ये बी पॉजिटिव भी हो सकता है ए बी पॉजिटिव भी हो सकता है और ओ पॉजिटिव भी हो सकता है जब एक आरएच नेगेटिव फीमेल जो है वो मैरी करती है किससे आरएच पॉजिटिव मेल से जब जो है वो क्या करती है वो मैरी करती है तो अब देखें अब मैंने बताया था आपको हमारी 85% पॉपुलेशन जो है वो आरएच पॉजिटिव है और आज आरएच पॉजिटिव का जो जीन है वो डोमिनेंट है किस पर आरएच नेगेटिव के जीन पर मिसाल के तौर पे अगर ये आ, मेल जो है वो आर एच पॉजिटिव है तो इसके ब्लड ग्रुप इसका जो जीनो टाइप होता है वो कैपिटल डी कैपिटल डी भी हो सकता है यानी होमोजाइगस आर एच पॉजिटिव और कैपिटल डी स्मॉल डी भी हो सकता है हेट्रोजाइगस आर एच पॉजिटिव जबकि फीमेल जो होगी उसके पास तो हमेशा होमोजाइगस ही होगी जो नेगेटिव है ना क्योंकि वो नेगेटिव ग्रुप है तो नेगेटिव हमेशा स्मॉल uh, तो तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बात बताई मैंने आपको कहा कि अगर एक आर एस नेगेटिव फीमेल आर एस पॉजिटिव मेल से मैरी कर लेती है तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि उसके पहली जो उसकी जो प्रेगनेंसी हो प्रेगनेंसी मतलब उसके जो बेबी डेवलप होगा उसके यूटरस के अंदर जो एम्ब्रियो बन रहा है फीटस ए जो अब उसके अंदर चांसेस ये होते हैं कि उसमें आर एच पॉजिटिव ब्लड जो है वो उसका हो जाए अगर वो बेबी जो है वो अपने फादर से कैपिटल डी ले ले और अपनी मदर से स्मॉल डी ले लेगा ले तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा आर एच पॉजिटिव अब ये जो आर एच पॉजिटिव वाला बच्चा जो इसकी बेली के अंदर या इसके यूटरस में डेवलप हो रहा है तो इसके पास क्या है इसके पास डी एंटीजन है लेकिन हमें पता है कि प्लेसेंटा के जरिए प्लेसेंटा क्या होता है प्लेसेंटा वो टिश्यू होता है जिसको यहाँ पर मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ प्लेसेंटा वो टिश्यू होता है जिसके जरिए एम्ब्रियो जो है वो किसके साथ अटैच होता है फीमेल की बॉडी यूट्रस के साथ जो है वो क्या रहता है अटैच रहता है और बेसिकली जो होता है इसका काम क्या होता है जो प्लेसेंटा uh, है प्लेसेंटा का, का काम होता है कि प्लेसेंटा के जरिए प्लेसेंटा के जरिए जो होता है बेबी को फूड फूड मदर के बॉडी से जो होता है ऑक्सीजन जो होती है हो, प्लेसेंटा के जरिए ही ब्लड बेबी की बॉडी में या एम्ब्रियो को जो है वो ट्रांसफर की जाती है लेकिन प्लेसेंटा के थ्रू बेबी और जो है मदर का ब्लड जो है वो मिक्स नहीं होता मतलब फीटस का और मदर का ब्लड मिक्स नहीं होगा किसके थ्रो प्लेसेंटा के थ्रो तो अभी को, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन आएगी नहीं लेकिन जब इस पहले इस बेबी की जब डिलीवरी होगी जब इस बेबी की क्या होगी डिलीवरी होगी तो डिलीवरी के दौरान बेबी के कुछ सेल या फीटस के कुछ सेल वो कहां पर चले जाएंगे फीटस के कुछ सेल जो हैं वो आरबीसी जो हैं वो चले जाएंगे मदर के सर्कुलेटरी सिस्टम में कहा चले जाएंगे मदर के सर्क्युलररी सिस्टम में और आपको पता है कि जो फीटस है या जो बेबी है इसके जो आरबीसीज हैं इनके ऊपर क्या लगा होगा इनके ऊपर डी एंटीजन लगा होगा क्योंकि ये आरएच पॉजिटिव है तो इस पर क्या लगा हुआ होगा डी एंटीजन लगा होगा अब आप देखें याली प्रेग्नेंट पहली वाली प्रेगनेंसी तो सेफली हो गई पहले वाली डिलीवरी तो सेफ हो गई यानी पहले वाली डिलीवरी हो गई लेकिन पहले वाली डिलीवरी के रिजल्ट में जो बच्चा था जो फीटस था या जो एम्बरी बेबी था उसके आरबीसी दाखिल हो गए फीमेल के सर्कुलरेटी सिस्टम में दाखिल हो गए फिर फीमेल का जो सर्कुलरटरी सिस्टम है इन आरबीसी के खिलाफ क्या बनाएगा इन आरबीसी के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा यानी इसके खिलाफ डी एंटीबॉडीज बनेंगी एंटी आर एच यानी डी एंटीबॉडीज इसके खिलाफ ये बन गए अब उसके बाद क्या होगा कि ये फीटस के जो आरबीसी ये तो खत्म हो जाएंगे लेकिन मदर की जो बॉडी होगी उसमें क्या होंगे मदर के सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत सारे डी जाएंगे अब क्या होगा जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी सेकेंड टाइम जब ये फीमेल प्रेगनेंट होगी और दूसरी दफा फिर इसका बेबी जो है वो अगर आर पॉजिटिव वाला होगा दूसरी दफा फिर इसका बेबी अगर आर पॉजिटिव वाला होगा तो ये जो एंटीबॉडीज हैं, आर एच एंटीजिन के खिलाफ पहले से मदर की बॉडी में क्या है एंटीबॉडीज हैं। ये क्या होंगी ये चली ये पास कर जाएंगी किससे प्लेसेंटा से और प्लेसेंटा से पास कर कर क्या करेंगी वो बच्चे के आरबीसी पर जाकर अटैक करेंगी बच्चे के आरबीसी पर क्या करेंगी जाकर आपको है कि जो बच्चे होते हैं जो डेवलपमेंट के दौरान होते हैं उनके लिवर से जो है वो क्या बन रहे होते हैं आरबीसी बन रहे होते हैं हमारे तो आरबीसीज हमारे बोन मेरो से बन रहे होते हैं ना लेकिन बच्चों के जो है वो लिवर से बन रहे होते हैं तो उसका लिवर जो है वो इस आरबीसी की Uh, कमी को पूरा करने के लिए इमेच्योर आरबीसीज रिलीज करना शुरू कर देगा और जो होते हैं हैं उनको उनको क्या कहते इनमे आरबीसी ब्लास्ट और रिलीज होना शुरू हो जाते हैं और वो जो है इन मेच्योर जब आरबीसी होना शुरू होते हैं तो जाहिर सी बात है वो मेच्योर आरबीसीज तो नहीं है तो बच्चा जो है वो सीवियर एनेमिक हो जाता है यानी उसमें ब्लड की क्या आ जाती है ब्लड की कमी हो जाती है या तो उस बच्चे की एबोर्शन हो जाएगी यानी उसकी जो है स्पॉन्टेनियस जो है वो क्या हो जाएगी वो डिलीवरी हो जाएगी डिलीवरी तो नहीं कहेंगे उसको क्योंकि वो आ, अगर बच्चे का जो है वो पूरा एबोर्शन तो उसको, उसको हम कह रहे हैं क्या, क्या, है? एबोर्शन है? की क्या हो जाएगी उसकी एबोर्शन जो है वो हो जाएगी वैसे नॉर्मली हम मिस लवस्ति का लव्ज इस्तेमाल करते हैं अगर स्पॉन्टेनियस इस तरह से हो जाती है तो वैसे अबॉर्शन जो होती है वो तो सर्जिकल प्रोसेस के जरिए जो है वो होती है अगर बच्चे की डेथ हो जाए तो उसकी जो है वो अबॉर्शन हो जाएगी लेकिन अगर बच्चा पैदा भी हो जाता है तो पैदा भी कैसा होगा वो सीवियर एनेमिक होगा यानी उसमें ब्लड की बहुत ज्यादा क्या होगी कमी होगी तो चले अब आपके बुक से देख लेते हैं कि आपकी बुक क्या कह रही है इरिथ्रोब्लास्टिक ब्लास्टोसिस के बारे में देखो तो सबसे पहले तो कह रहा है इरिथ्रो ब्लास्टोसिस डेवलप्ड develop in a fetus when rh rh and anti rh antibodies produced by the mother pass through the placenta yani keh raha hai jaise maine aapko samjhaya ki erythroblast blastosis fetal is jo develop hota hai wo kaise develop hota hai ke ये अगर mother के body में जो क्या produce हुई हुई है mother की body में produce हुई हुई है Rh anti Rh antibodies anti आर एच एंटीबॉडीज जिसको मैंने यहाँ स्मॉल डी से शो किया था एंटी आर एच एंटीबॉडीज अगर प्लेसेंटा से पास मदर की बॉडी से प्लेसेंटा के थ्रो किसके अंदर फीटस के अंदर दाखिल हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे इस कंडीशन को हम कहेंगे इरिथ्रोब्लास्टिस फिटलिस इरिथ्रोब्लास्टिस फिटलिस जो है वो डिजीज फिर इसकी वजह से क्या होगी काज होगी इसके बाद अब देख लेते हैं सबसे पहले काज ऑफ ज एंड रिस्क फैक्टर यानी इसकी वजह क्या हो सकती है की और उसमें रिस्क फैक्टर क्या है यानी किसको होने के चांसेस ये ज्यादा है तो सबसे पहले तो देखें आपकी बुक में क्या कह रहा है यहाँ पर ये चीज मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ तो आपकी बुक में कह रहा है इरेथ्रोब्लास्टोस फिटेलिस मोस्ट कॉमनली हैपन व्हेन अ अ विद विद आरएच नेगेटिव ब्लड गेट मैरिड टू मैन आरएच पॉजिटिव ब्लड एंड कंसीव अ बेबी विद आरएच पॉजिटिव ब्लड मेटर फीटल आर एच इनकमिलिटी अब देखो कहता है कि अगर कब कभ ये होगा ये प्रॉब्लम उस वक्त होगा जब एक आर एच नेगेटिव जो फीमेल है एक आर एच नेगेटिव जो फीमेल है वो किससे मैरी कर लेती है वो मैरी कर लेती है आर एच पॉजिटिव मेल से और वो कंसीव करती है कंसीव मतलब ह्यूमन की जो फर्टिलाइजेशन होती है उसके लिए हम टर्म क्या इस्तेमाल करते हैं कंजन या इसको हम कहते हैं कंसीव करना तो उसने क्या कंसीव क्या किया उसने जिस बेबी को कंसीव किया यानी जिस बेबी की अब प्रेगनेंसी हो रही है उसकी बॉडी में उस बेबी के पास जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा होगा वो होगा आर एच पॉजिटिव अब इसका बेबी का ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव है और मदर का ब्लड ग्रुप क्या है आर एच नेगेटिव अब इनकम्पेबिलिटी हो गई ना इनकम्पैटिबिलिटी Incompa हो गई अभी इनकम हो गई अभी Incompatibility किसके में हुई है यह Incompatibility हुई है, मदर और फीटस के दरमियान में यानी का आर एच नेगेटिव है इफ द मैन जीनोटाइप इज डी डी अगर आदमी का जीनोटाइप डी डी है सही है ना तो क्या होगा ऑल ऑफ दिंग विल बी डी डी जीनोटाइप एंड ब्लड yani, ग्रुप अगर कैपिटल डी कैपिटल डी होमोजाइगस आर एच पॉजिटिव है और फीमेल तो आपको पता है होमोजाइगस ही आर एच नेगेटिव होगी अगर ये कंडीशन होगी तो जितने भी बच्चे पैदा होंगे तमाम का ब्लड ग्रुप जो है वो क्या होगा आर एच पॉजिटिव होगा मिसाल के तौर पर देखें अगर हम गैमिट्स बना लेते हैं गैमिट्स बनाने के दौरान हम जीन को अलहदा कर देते हैं यहाँ पर और ये फीमेल के भी जीन आपने अलहदा कर दिए अब फीमेल के एक स्मॉल डी स्मॉल डी वाले बनेंगे और मेल के इसम स्पर्म कैपिटल डी कैपिटल डी वाले बनेंगे अगर ये स्पर्म इस को फर्टाइल कर देगा तो भी आपको पता है कैपिटल डी डी और स्मॉल वाला फीटस बनेगा अगर ये इस्पर्म, ये स्पर्म स्पर्म इस को फर्टाइल करेगा तो भी आपको पता है कैपिटल डी और स्मॉल डी वाला फीटस बनेगा और अगर आप इस वाले दूसरे वाले एक को भी फर्टाइल होगा ये वाला एक भी अगर फर्टाइल होता तो भी आपको पता है कैपिटल डी और स्मॉल डी वाला फीटस बनेगा मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि अगर मेल जो है अगर मेल होमोजाइगस आर एच पॉजिटिव है तो तमाम के तमाम बच्चे जो इनके होंगे वो कैसे होंगे आर एच पॉजिटिव वाले ही होंगे और किस जीनो टाइप के साथ होंगे आर एच पॉजिटिव वाले वो इस जीनो टाइप के साथ होंगे यानी जो इन दोनों का जो बेबी होगा वो कैसे जीनो टाइप वाला होगा वो आर एच जो है जीनो टाइप जो होगा उसका हेट्रोजाइगस होगा यानी इस जीनो टाइप के साथ जो है बच्चे तमाम के तमाम डेवलप होंगे अच्छा लेकिन अगर ये मेल अगर ये मेल जो है वो हेट्रोजाइगस आर एच पॉजिटिव होता मिसाल के तौर पे ये मेल जो है अगर हैट्रोजाइगस आर एच पॉजिटिव होता है स्मॉल डी और यहां पर क्या आ जाता है स्मॉल डी और स्मॉल डी अगर हेट्रोजाइगस होता तो आप देख लें यहां पर गैमिट पहले बनते कैपिटल डी और स्मॉल डी और यहां होता है यहां तो स्मॉल डी और स्मॉल डी अब अगर आप देखें 50-50 परसेंट -50 दोनों किस्म के बच्चे डेवलप होने के चांसेस हैं आर एच पॉजिटिव भी और आर एच नेगेटिव भी आ, मिसाल के तौर पे अगर ये कैपिटल डी इस स्मॉल डी के साथ मिल जाता है तो जो है वो हेट्रोजाइगस क्या बनेगा हेट्रोजाइगस जो है वो आर एच पॉजिटिव में भी होगा लेकिन अगर ये स्मॉल डी इस स्मॉल डी के साथ मिलेगा तो क्या होगा ये स्पर्म अगर इस स्मॉल डी के साथ मिल जाता है तो बेबी के चांसेस क्या बेबी के चांसेस होंगे कि वो आरएच नेगेटिव हो यानी 50 50% आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव हो सकते हैं अगर आप चाहें तो इसको ऐसे चेकर बोर्ड बनाकर भी इसको चेक कर सकते हैं मिसाल के तौर पे आप इधर देखें यहाँ पर अगर मैं गैमेट बना दूं मेल के जो स्पर्म बनेंगे वो दो तरह के बनेंगे एक मेल का स्पर्म जो होगा उसके पास कैपिटल डी होगा और दूसरे मेल के इस के पास स्मॉल डी होगा जबकि फीमेल के जो एग होंगे उनके पास स्मॉल डी और स्मॉल डी ही होगा चले हम ये चकर बोर्ड बना लेते हैं एक तरफ स्मॉल डी स्मॉल डी रख दें एक तरफ कैपिटल डी और स्मॉल डी अगर ये इस पर मिस एक के साथ मिलेगा तो आर एच पॉजिटिव मेल डेवलप होगा ये इस पर मिस एक के साथ मिल जाए तो आर एच नेगेटिव बेबी जो है वो डेवलप होगा चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल और यहाँ पर भी जो है वो आर एस पॉजिटिव बेबी डेवलप होगा अगर ये इसके साथ मिल जाए और ये इसके साथ मिले तो आर एसटिवी परसेंट चांसेस हैं आर एस पॉजिटिव और आर एस नेगेटिव बेबी डेवलप होने के तो आप देखें आपकी बुक में जो है वह यही यही बात जो है बता रहा है कि अगर इफ द मैन इज जीनो टाइप इज कैपिटल डी कैपिटल डी ऑल ऑफ स्प्रिंग विद डी डी जीनोटाइप एंड विल बी आर एच पॉजिटिव होंगे हाफ ऑफ दिंग विद कैपिटल डी एंड स्मॉल डी यानी आधे ऑफ स्प्रिंग देखें फिफ्टी परसेंट हाफ स्प्रिंग जो है वो हेट्रोजाइगस जो है वो क्या है आर एच पॉजिटिव है विल बी आर एच पॉजिटिव और जबकि हाफ ऑफ स्प्रिंग जो होंगे उनके हाफ ऑफ स्प्रिंग जो है वो आर एच नेगेटिव होंगे यानी स्मॉल डी और स्मॉल डी वाले तो कहते हैं देर ऑलवेज चांसेस ऑफ रिथ्रो ब्लास्टिस फिटेलिस वेन एवर द आर एच पॉजिटिव फिटेसिस

और जेनेटिक प्रॉब्लम में कह रहा है इन एन नेगेटिव इज टू पॉजिटिव मैन यानी एक आर एच नेगेटिव फीमेल जो है वो मैरी कर रही है किससे आरएच आर एच पॉजिटिव मेल से आप देख सकते हैं आर एच नेगेटिव ये फीमेल है और ये मैरी कर रही है आर एच पॉजिटिव मैन से आदमी का जो फादर था वो क्या था आर एसटिव था अब ये जब बात बताइए कि इसका फादर आर एस नेगेटिव है तो कहने का मतलब इस प्रॉब्लम में यह है कि ये मेल है क्योंकि इसकी मदर आर एच पॉजिटिव होगी तो इसने अपनी मदर से कैपिटल डी ले लिया अब इसका फादर आर एस नेगेटिव है तो लाजमी तौर पर अगर इसका फादर आर एस नेगेटिव है तो उसने फादर से इसने क्या लिया होगा इसमॉल डी लिया होगा अगर फादर आर एच कोई भी अगर बात कर लें कि आर एच पॉजिटिव मेल है उसका फादर आर एच नेगेटिव था या कह दें कि उसकी मदर आर एच नेगेटिव है तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो मेल है या अगर फीमेल के बारे में भी ऐसी बात की जाए तो वो मेल होगा या फीमेल होगा वो क्या होगा वो हेट्रोजाइगस होगा क्योंकि एक तरफ से उसको कैपिटल डी मिला है दूसरी तरफ से क्या मिल गया है उसको स्मॉल डी मिल गया है वट आर दॉसिबिलिट पॉसिबल जीनो टाइप ऑफ ईच पर्सन इन द फैमिली फैमिल्हाट आर चांसेस ऑफ दियर चिल्ड्रेन विल बी इफेक्टेड विद इोब्लास्टिज

बच्चे आर एस पॉजिटिव होंगे तो फिफ्टी परसेंट ही चांसेस है कि इनको जो है इसके बच्चों को जो है वो कौन सा वाला प्रॉब्लम आ जाए फिटालिस के प्रॉब्लम आ जाए इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है आपकी बुक का जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लिकेशन इन फिटस यानी अगर इरिथ्रोब्लास्टिस फिटॉलिस है या आर पॉजिटिव फीमेल जो है वो आर नेगेटिव फीमेल जो है आर नेगेटिव फीमेल अगर आर पॉजिटिव मेल से मैरी करती है तो प्रॉब्लम क्या आते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या आती है वेन मदर मदर एंटी आर एच एंटीबॉडी प्लेसेंटा इन टू द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द फीटस यानी कि जो मदर की जो एंटी है मैंने आपको बताया था मदर की बॉडी के अंदर जो है वो आर एच एंटीबॉडीज एंटी आर एच एंटीबॉडीज यानी आर एच एंटी जिन पर अटैक करने वाली आर एच एंटी आर एच एंटीबॉडीज है अगर मौजूद हैं मैंने आपको बताया था किस तरीके से ये एंटीबॉडीज़ बनेंगी जिसको मैंने से शो किया था मौजूद हैं और अगर वो सीप कर जाए किससे प्लेसेंटा से यानी बच्चे के सर्कुलटरी सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाए तो उसके बाद फिर होगा क्या दाखिल हो गए दे स्टार्ट हीमोलाइसिस और ब्रेक डाउन ऑफ ब्लड

ब्लड स्ट्रीम देअ कार्ड इलास्टो होंगे तो RBCs की कमी आ जाएगी तो फीटस का जो क्या कहना चाहिए जो लिवर होगा वो क्या करेगा वो जो है वो इन मेच्योर आरबीसी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा और इन मेच्योर आरबीसी को हम क्या कहते हैं इरिथ्रो कहते हैं और इस क्योंकि ये

तो बच्चा जो है क्या हो जाएगी उसकी एबोर्शन हो जाएगी और अगर पैदा भी होगा एबोर्शन हो जाएगी या फिर क्या होगा अगर पैदा होगा अगर उसकी बर्थ होगी तो वो क्या होगा सीवियर एम, एनेमिक होगा इवन इफ द द द प्रेगनेंसी कंटिन्यू लिवर एंड ऑफ फीटस स्वेल एज प्रोड्यूस आरबीसी यानी अगर इसकी एबोर्शन नहीं हुई है प्रेगनेंसी कंटिन्यू हुई है तो बच्चे के जो लिवर होगा और जो स्प्लिन होगा वो स्वेल हो जाएगा सूज जाएगा वो

तो उन होने से एक पिगमेंट रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं ब्लू रिबिन अब ये जो ब्लू रिबिन पिगमेंट होता है जो आरबीसी के ब्रेक डाउन होने से रिलीज होता है अगर ये ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा ये ब्लू रिबिन जो है वो जाकर बच्चे के ब्रेन के सेल्स पर भी क्या करेगा को भी डैमेज करेगा ब्रेन के सेल को डैमेज करेगा बच्चे की जो स्किन होगी वो व्हाइट हो जाएगी क्योंकि ब्लड उसमें नहीं होगा और आइस का कलर जो है वो कैसा हो जाएगा वो येलो होगा और इस कंडीशन को हम क्या कहते 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 हैं 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 इस कंडीशन को हम कहते जिसको हम जिसको पीलिया भी जो है वो उर्दू में में या सिंधी साई सो द बेबी इफ बोर्न अलाइव अगर बच्चा वैसे तो जिंदा पैदा नहीं होता लेकिन अगर वो अलाइव हो जाता है जिंदा पैदा हो भी जाता है सफर फ्रॉम सीवियर हिमोलाइटिक इनिमिया यानी उसके अंदर सिवियरली जो है वो ब्लड की जो है वो क्या होगी कमी होगी आरबीसी के ब्रेक डाउन होने की वजह से आरबीसी बहुत कम होंगे तो ऐसे बच्चों का फौरन ही जो है वो क्या करना चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी चाहिए यानी उनका जो है सो द बेबी ब्लड शुड बी इमिडिएटली रिप्लेस बाय आर एच नेगेटिव ब्लड और आर फ्री ऑफ आर एच एंटीबॉडीज अब इसको आर एच नेगेटिव ब्लड फौरन देना चाहिए जिसके अंदर आर एच एंटीबॉडीज ना हो तो इट वॉज ऑल अबाउट

आरएच पॉजिटिव या आरएच नेगेटिव होने के चांसेस कितने-कितने परसेंट किस कंडीशन में हो सकते हैं अगर मेल जो है वो होमोजाइगस आरएच पॉजिटिव है तो हंड्रेड परसेंट चांसेस हैं किसके बच्चों के क्या होने के आरएच पॉजिटिव होने के और तमाम का जीनोटाइप कैपिटल डी और स्मॉल डी होगा लेकिन अगर मदर फादर जो है वो या मेल जो है वो किस तरह का है वो अगर हैट्रोजाइगस आर नेगेटिव है पॉजिटिव पॉजिटिव है है सॉरी अगर तो फिफ्टी फिफ्टी परसेंट चाके आर एस पॉजिटिव और नेगेटिव बच्चे जो है वो पैदा होने के या फीटस का आर एस पॉजिटिव या आर एस नेगेटिव बनने के फिफ्टी फिफ्टी परसेंट चांसेज है और जो आर एस पॉजिटिव होगा उस वो इसी जीनो के साथ होगा ये बात आपने अच्छे तरीके से जो है वो याद रखनी है फिर दूसरी बात आपने याद रख लेनी है काज तो आपको पता लग गया और इसमें जो है वो आपने और ये भी बात याद रखनी है कि जो आर एच पॉजिटिव ये जो इरिथ्रोब्लास्ट्रोसिस फिटालसिस है ये किसके दरमियान में इनकम्पेटिकम्पेटिबिलिटी है ये मदर और फीटस के दरमियान में इनकम्पेटिबिलिटी है ये बात आपने याद रखनी है फिर दूसरी चीज जो आपने यहाँ पर याद रखनी है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालसिस को इरिथ्रो क्यों कहा जा रहा है क्योंकि इसमें इन मेच्योर आरबीसी प्रोड्यूस होते हैं और इन मेच्योर आरबीसी को हम इो कहते हैं और कंडीशन क्योंकि में होती है तो इस वजह से इसको Fetalsis कह रहे हैं अच्छा ये बातें कुछ थी जो आपने इसके अंदर जो है वो क्या रखनी है एमसीक्यूज या क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो है ये चीजें याद रखनी है नेक्स्ट टाइम फिर हम नेक्स्ट uh, टॉपिक जो है इससे अगले अगला जो टॉपिक है उसको हमने क्या करना है डिस्कस करना है